नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ब्लॉग। मैं हूं अमन और आज हम लोग चल रहे हैं अंगूर के खेत में। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं अंगूर की खेती में। बड़ा अंगूर का पेड़ लगाया गया, ये पेड़ लगाया गया और पाइप लगाई गई है। अब पाइप से पानी दिया जा रहा है अंगूर के पेड़ में। शायद पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको। देख लीजिए किस तरह से एक बड़ा सा खेत है, हर लकड़ी के साथ। और ये जो तार लगा हुआ है, तार देख सकते हैं, इसी पे आपने मेरे गांव में तो इसको लत्ती कहते हैं, अंगूर का जो पेड़ होता है इसको लत्ती कहते हैं। लत्ती में फलता है ये, इसी के लिए तार लगाया गया ये। और ये देख लीजिए छोटा छोटा पेड़ है, पानी की सख्त ज़रूरत होती है इसको, जिस तरह से यहाँ पर पानी दिया जा रहा है इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अंगूर की खेती में। अब बड़े वाले में आ गए हम लोग। देख लीजिए ये अंगूर है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये अंगूर देख सकते हैं आप, ये मेरे साथ अगर देखें, ये अंगूर है। हाँ, पेड़ लगा हुआ है। मैंने पूछा उनसे जिनका ये खेत है कि भैया सांप उप तो नहीं रहता, बड़ी दिक्कत होती है, तो बोला नहीं नहीं सांप उप नहीं है, बिंदास जा सकते हैं। देख लीजिए ब्लैक अंगूर है यहाँ लगा हुआ, ब्लैक अंगूर है, काला अंगूर है यहाँ लगा हुआ। अब देख सकते हैं, मैं आपको और दिखाऊंगा, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से ब्लैक अंगूर लगा हुआ है। ये काला अंगूर की खेती है यहाँ पर। और अभी मैं नासिक में हूँ, आपको बता दूँ, और नासिक में अंगूर बहुत फेमस है यहाँ का। दो चीज़, एक तो यहाँ पे अंगूर के साथ साथ ये भी होता है। एक अंगूर तोड़ लेता हूँ मैं, देखता हूँ खाकर। तो अभी अभी पेड़ से मैंने तोड़ा है, शायद ये कच्चा होगा, पता नहीं कैसा है, नहीं है मीठा है यार, जो भी हो कच्चा है पक्का हो मीठा जरूर है। खेती करने का तरीका देखिए, पेड़ है अंगूर का और डंटे से लगाया गया हुआ है। मैं बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप बड़े पेड़ की बात करें तो ये अंगूर का पेड़ है, मोटा सा तना होता है इसका और रस्सी के सहारे ये लगा हुआ होता है। ये रस्सी देख रहे हैं आप, रस्सी नहीं है हालांकि तार है ये, और तार के सहारे लगाया गया हुआ है ये। ये देख लीजिए, ये तार के सहारे लगाया गया हुआ है। थोड़ा मोटा तना है, लेकिन इतना मोटा नहीं है कि संभाल सके भार को। एक उगाने का अंगूर, उगाने का तरीका अलग है यहाँ, बिल्कुल अलग तरीके से उगाया जाता है, बिल्कुल लटक रहा है यहाँ पर। और ये जो गुच्छा, ये गुच्छा देख सकते हैं, इस गुच्छे को तोड़ करके बेच दिया जाता है। हालांकि आपने पत्ता भी नहीं देखा होगा अंगूर का, मैं पत्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ऐसा पत्ता होता है, ये पत्ता मैं इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए बिल्कुल ऐसा पत्ता होता है, हरा। और थोड़ा थोड़ा अगर आप ये कहें ना, इस पत्ते को मैं मैच करना चाहूँ तो आप पपाया, पपीता जो होता है पपाया, बिल्कुल वैसा पत्ता है ये, लेकिन पपाया का थोड़ा बड़ा पत्ता होता है, अंगूर का थोड़ा छोटा पत्ता है। और अंगूर यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते किस तरह से यहाँ पर अंगूर का पेड़ है। और बहुत आनंद आ रहा है, क्या बताऊँ आपको इस आनंद के बारे में, जिसके बारे में सोच नहीं सकता। मैं तोड़ रहा हूँ एक, और मैंने तोड़ तो लिया है, खाऊँगा अभी। यार पेड़ के साथ जो खाने का है ना, मज़ा ही अलग है, एकदम ताज़ा। इतना ताज़ा आपने कभी नहीं खाया होगा अंगूर। मैं पेड़ से निकाल रहा हूँ और खा रहा हूँ। यहाँ पे तार लगा हुआ है, इसलिए मैं उस पर उस तरफ पार नहीं कर सकता, मैं उस तरफ होकर के जाऊँगा। और आगे से जो एंड है वहाँ से उस तरफ होकर के निकलूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा। महाराष्ट्र नासिक, नासिक दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो यहाँ अंगूर होता है और दूसरी जो खेती होती है सबसे बड़ी वो है प्याज की। ये दो चीज़ों के लिए फेमस है, अंगूर और प्याज। ये गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे ये ट्रे है जिसमें भरा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से पैक किया जा रहा है। क्या नाम है, शिव बाबा, शिव बाबा अंगूर के नाम से यहाँ पर पैक हो रहा है अंगूर, और ट्रे में खेत से ही पैक हो रहा है। आप देख सकते हैं खेत से यहाँ पर पैक किया जा रहा है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारा ट्रे है और ट्रे में अंगूर रखा हुआ है। किस तरह से यहाँ पर ट्रे में अंगूर रखा हुआ है, और लोग इस तरफ देखिए किस तरह से अंगूर को ट्रे में भरा जा रहा है। अंगूर की खेती में देखिए कितनी खूबसूरती होती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस जगह पर घूम रहा हूँ,
मुझे कैसा फील हो रहा होगा। कितनी एक खूबसूरत जगह है, अंगूर हरे हरे पत्तों में काला काला अंगूर लगा हुआ है, कितना खूबसूरत है ये। यहाँ पर आकर मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता। तो अपने जीवन काल में पहली बार एक गुच्छा मैं अंगूर खा गया हूँ, क्योंकि मैं इतना खाता नहीं, दो चार ले लिया अंगूर बस काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन आज पहली बार खाया हूँ, क्योंकि ताज़ा था और बिल्कुल ताज़ा भैया ने दिया था और धो करके दिया था, अच्छा लगा तो मैंने खा लिया। आज पहली बार इतना मैं खाया हूँ अंगूर। से कोई फिर से नई वीडियो लेकर के आऊँगा, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।